हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर से करना है। तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, शानदार अपडेट है, गुड न्यूज़ है। और ये जो अपडेट है ये काफ़ी दिनों से इसके लिए रिज़ल्ट के लिए मतलब इंतज़ार था सभी कैंडिडेट्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मैसेज करके मुझसे पूछा गया था कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा। काफ़ी पहले एग्ज़ाम हो गया है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जल्दी उसका रिज़ल्ट आउट होगा और वैसा ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिज़ल्ट है वो है UKPSC AE का। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से AE का रिज़ल्ट आउट हुआ है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर था वो 23 से लेकर 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो बहुत पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि एग्ज़ाम हुआ था, और प्रोविजनल रूप से ये जो है साक्षात्कार के लिए ये कैंडिडेट जो है घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल की वैकेंसीज़ हैं, सहायक अभियंता की, और सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग की भी हैं, और PWD की वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम काफ़ी पहले हुआ है और रिज़ल्ट ये अब आउट हुआ है। ठीक है, लेकिन चलो खैर, रिज़ल्ट ओवरऑल आउट हुआ है अब, और अपनी इंटरव्यूज़ की आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, ये रोल नंबर है, और अगर हमारे सब्सक्राइबर्स में कोई सेलेक्ट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको हार्ट जरूर दे दूंगा मैं। तो ये चीज़ है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप इसके नीचे ज़रूर देख लेना। ठीक है, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो आपको तैयार रखने हैं और क्या चीज़ आपको करनी है, सभी चीज़ में है। और सैलरी इसमें शानदार होती है, उतनी ही लगभग सैलरी होती है जितनी UPPSC AE में होती है। ठीक है, तो AE का कुछ अलग ही क्रेज़ है, और उत्तराखंड और UPPSC की बात हो तो अलग ही बात है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF के लास्ट में यहाँ पे है कि उक्त परीक्षा परिणाम द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के लिए दाव, ठीक है, यहाँ पे लिखा है दावों तथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास इत्यादि से संबंधित आधार पर घोषित। अच्छा, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बारे में लिखा है, और इसकी लिखा है कि मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह में होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए इन्होंने कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, इससे मतलब कि इतना टाइम शायद मेरे लिए नहीं लगता, किसी को ज़रूरत होगी, मुश्किल से 15 दिन 20 दिन ज़रूरत होती है। तो जानबूझ के प्रोसेस को लंबा किया जा रहा है, और ये अच्छी बात तो है नहीं वैसे। इसके अलावा प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क जो है अंतिम चयन के बाद घोषित किए जाने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। तो ये अपडेट थी, बाकी आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने तैयार रखना, और अपनी तैयारी इंटरव्यू के लिए शुरू कर दीजिए। बाकी और भी वैकेंसीज़ हैं AE की, UPPSC AE की वैकेंसीज़ भी आपको जल्द देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।